नमस्कार, डिम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। गुजरात यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर फोर में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन डिक्लेयर कर दिया था और रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट भी आ चुका है, बट एक्सटर्नल स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिशन कराना है, वो ऑनलाइन सबमिशन कराना है। तो बी ए सेमेस्टर टू सेमेस्टर फोर, बी कॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर फोर, एम ए सेमेस्टर टू एंड एम कॉम सेमेस्टर टू, ये स्टूडेंट को ये असाइनमेंट सबमिशन कराना है। तो क्या है पूरी प्रोसेस, ये वीडियो में हम जानेंगे। ये असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है 19 अगस्त 2021 यानी छली तारीख है। आप जो सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करवाने वाले हो वही सेमेस्टर का आपको सीट नंबर चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट दिया है, तो वहाँ पे जाके आप वो कैंडिडेट लिस्ट में जाके आपका सीट नंबर चेक कर सकते हो। सेकेंड, एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपकी पास्ट मार्कशीट पर होता है एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर आप वहां से ले सकते हो। बीकॉम में सारे सेमेस्टर में आपका एनरोलमेंट नंबर सेम रहेगा। तो अब आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है, तो सबसे पहले जाना गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे। गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे तो नीचे यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। जो सेमेस्टर का आपको असाइनमेंट सबमिट करना है वहाँ पे जाके आपको एनरोलमेंट नंबर, आपका सीट नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वो ओटीपी यहाँ टाइप करके वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले पे ऐसा शो होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। फिर आपको नीचे ब्लू कलर का टिक है लॉगिन, वहाँ जाके लॉगिन करना है तो भी कर सकते हो, या तो फिर गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके एग्जामिनेशन में जाके असाइनमेंट सबमिशन में जाके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉगिन में जाके क्लिक किया तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड वेरीफाई करोगे तो फिर ये इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपका नेम, सीट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, ये आपको चेक कर लेना है। सारे आपके सब्जेक्ट जिसके आपको असाइनमेंट लिखना है वो। फिर अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन पेपर, वहाँ जाके क्लिक करना है। जितने भी सब्जेक्ट है आपके, सारे सब्जेक्ट का पेपर होगा। उसके बाजू में जो है वो है अपलोड योर असाइनमेंट, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और ये चैनल पर रख। अभी तो ये वीडियो में मैं आपको व्यू पेपर के बारे में बता रहा हूँ। जब आप वो लिखोगे तो उसमें आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम नेम, पेपर नेम सब क्लियरली लिखना है। आंसर शीट पे टाइटल लिख के लिख देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप में जब ये पीडीएफ बनाओगे तो उससे पहले जो पेपर लिखोगे उसमें ये सारी डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको अपलोड कैसे करना है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। पेपर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही आप डाउनलोड व्यू करोगे तो आपका कुछ पेपर ऐसे दिखेगा। तो अपलोड कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये चैनल पे रखूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो। उसके बाद अगर आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके अलग से लॉगिन करना है, अलग से चेक करना है, तो आपको करना क्या है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आपको जाना है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में असाइनमेंट सबमिशन फॉर एक्सटर्नल में जाना है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है असाइनमेंट सबमिशन फॉर एक्सटर्नल पे, आप जो शो हो रहा है वहाँ जाके क्लिक करोगे तो भी आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो ये जो था मैंने आपको बताया, सबमिशन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये चैनल पे रखूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।